देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गाजियाबाद में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। करीब एक कुंटल गांजा बरामद किया गया है। नशे का सामान छत्तीसगढ़ से गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एक सफारी गाड़ी को रोका और उसमें चेकिंग की, जिसमें यह नशे का सामान बरामद हुआ। इस लग्जरी कार के शीशों से लेकर इंजन और बोनट तक में खुफिया बॉक्स बनाए गए थे, जिसमें यह नशे का सामान रखा जाता था। गाड़ी में बैठी महिला काफ़ी हाई प्रोफाइल तरीके से बातें करती थी। ऐसे में जब पुलिस इस गाड़ी को कहीं रोकती थी तो महिला को आगे कर दिया जाता था, जिससे पुलिस को लगता था कि कोई फैमिली है। लेकिन शक होने पर गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग की तो राज सामने आ गया। मामले में तीन आरोपी पकड़े गए हैं। ये थाना कोतवाली में तीन शातिर गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनमें की दो पुरुष और एक महिला हैं। इनके पास से लगभग एक क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। ये एक मॉडिफाइड गाड़ी, सफारी गाड़ी है इनके पास, जिसको कि मॉडिफाई करके ये उसमें गांजा तस्करी करते थे। सीट पे और जो खिड़कियां रहती हैं उन सबको मॉडिफाई करके उनमें अंदर बॉक्सेस बनाकर ये गांजा लाते थे। एक महिला साथ में चलती थी ताकि जब चेकिंग वगैरह हो तो ऐसा प्रतीत हो कि ये परिवार साथ में जा रहा है और उतनी गहनता से चेकिंग ना हो। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ से तस्करी करके ये गांजा लाते हैं और NCR क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे सप्लाई करते हैं। सर, किन लोगों को सप्लाई किया जाना था, क्या उन तक भी पहुंची है? देखिए, इसके जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इनसे कुछ एक्शनेबल इनपुट्स हमें मिले हैं कि ये किन को सप्लाई करते हैं। उन लोगों पर भी काम चल रहा है, उम्मीद है जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी। क्या कॉस्ट होगी इस जो गांजा पकड़ा है सर? ये लगभग 10 लाख रुपए के करीब कीमत है इसकी। अच्छा, जिस तरीके से मॉडिफाई की गई थी गाड़ी, एक महिला का उपयोग भी कर रहे थे, तो लगता है मतलब बहुत शातिर के सुपे, क्या पहले कुछ अपराधे के इतिहास इनका रहा है? इनमें से एक व्यक्ति है जो कि नूर मोहम्मद, जिसका नाम है, वो केरला में खनन में जेल जा चुका है पहले। सर, पुलिस से बचने के लिए महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, जैसा मैंने बताया, महिला को एज फैमिली दिखाकर ये तस्करी करते हैं। गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।